फ्री फायर गेमर्स, क्या हाल चाल सभी का। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ गॉडकिल और आप देख रहे हैं फॉर्म वाईटी। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खास करके नए फ्री फायर गेमर्स के लिए, जो भी नए नए बंदे खेल रहे हैं इस गेम को। तो गाइज, उससे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन बन के आएगा बगल में, उस घंटे को दबा के ऑल पे सेट करना है, ताकि आपको आने वाला किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम पे हमारे साथ खेलना, तो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, डेली लाइव स्ट्रीम भी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक सेटिंग से, जो कि होता है ऊपर देखिए ग्राफिक्स का, स्मूथ स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा पे आता है ग्राफिक्स। तो स्मूथ, जिसका लो एंड डिवाइस है स्पेशली, वो उन बंदों को ये हेल्प करेगा वीडियो, और नए बंदे हैं तो बिल्कुल देखिए इस वीडियो को, ठीक है। तो स्मूथ स्टैंडर्ड और अल्ट्रा स्मूथ और स्टैंडर्ड पे तो पता ही आपको थोड़ा बहुत कम लेग मिलता है, लेकिन अगर आप अल्ट्रा पे खेलेंगे तो ज़्यादा लेग मिलता है, लेकिन आपको इसका भी मैं इलाज दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको अल्ट्रा पे ब्राइटनेस को क्लासिक पे रखना है, ठीक है, सेम टू सेम जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसे रखना है, और हाई FPS जो होता है उसको नॉर्मल नहीं रखना है, हाई रखना है, बिकॉज हाई FPS पे अगर खेलते हैं तो आपका गेम लिटिल बिट स्मूथ हो जाता है, जिसके ज़रिए आपको थोड़ा सा लेग कम महसूस होगा। मैं खुद खेलता हूँ 3GB पे, तो आपको भी इसका फ़र्क दिखेगा आप अगर ये ट्राई करेंगे सेटिंग, ठीक है। तो शेडो को ऑफ रखना है, बिल्कुल शेडो ऑन नहीं रखना है, बेकार सा होता है। तो बाकी तो सब कुछ सही है। तो अब चलते हैं सेंसिटिविटी पे। तो गाइस, जनरल सेंसिटिविटी ये ऐसे ही रखना है, बिकॉज आप लोग का अगर हाई एंड डिवाइस नहीं है, मतलब अगर 6GB 8GB का नहीं है, तो आप 100 पे खेलोगे तो शायद ड्रैग नहीं लगता होगा, आपका हेड वगैरह नहीं लगता होगा। अगर लगता है तो ओके है, अगर नहीं लगता है तो ऐसे भी रख सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेंसिटिविटी सब डिवाइस का अलग अलग होता है, जैसे कि सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोग 80 से 90 के बीच में सेंसिटिविटी रख के खेल सकते हो, ठीक है। तो गाइज, नॉर्मल कंट्रोल्स तो ये सब कुछ पता ही है आपको, कस्टम हार्ड में दिखा दूंगा। अभी सबसे पहले विजुअल इफेक्ट का बात कर लेता हूँ। विजुअल इफेक्ट एक ऐसा चीज़ है, नो ब्लड रखना है आपको, ये सबको पता है। डार्क रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, डार्क और क्लासिक में, नो ब्लड में मतलब जोन के बाहर भी अगर मतलब कोई अगर आपको डैमेज वगैरह देता है तो वो ब्लड शो नहीं होगा, तो आपको स्मूथली खेल पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग। तो फ्री फायर गेमर, सबसे पहले ज़रूरी हो चीज़ होता है, आप अगर नया गेम खेल रहे हैं या पुराने भी है, तो सबसे ज़रूरी आपका कस्टम हार्ड होता है। तो बिकॉज कस्टम हार्ड एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए आप गेम प्ले में मतलब ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा कस्टम हार्ड है, ठीक है। उल्टा पुल्टा बेकार का कस्टम हार्ड किसी से भी कॉपी करके मत रख लीजिएगा, ये सिंपल सा कस्टम हार्ड आप रख के देखिए, शायद आपका गेम प्ले में थोड़ा एक आधा दिन लगेगा सीखने में, मतलब अगर आप उल्टा मतलब अलग कस्टम हार्ड है। सबसे मेन बात है ग्लूवाल, ग्लूवाल का इंपॉर्टेंस फ्री फायर में सभी लोग जानते हैं, तो ग्लूवाल को परफेक्ट जगह पर रख के यूज़ करना भी बड़ी बात होता है। अगर आप टू फिंगर्स खेलते हैं तो ये कस्टम हार्ड रख सकते हैं, बिकॉज ये टू फिंगर्स के लिए है। मैं खुद खेलता हूँ, ठीक है, तो मेरा कस्टम हार्ड यही है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लूवाल को बिल्कुल ऊपर के कॉर्नर पे मत रखिएगा, नीचे रखिएगा अगर टू फिंगर्स से खेलते हैं तो, एकदम जहाँ पे मेरा जॉयस्टिक है वही के बगल में ग्लूवाल रखिएगा, बिकॉज ग्लूवाल सबसे मेन चीज़ होता है कि फर्स्ट ग्लूवाल कितना लगा सकते हो। आप थाम से खेलते हो, एक ही थाम से जॉयस्टिक को घुमा घुमा के भी फटाक से ग्लूवाल लगा सकते हो। अगर मेरा पहला ग्लूवाल था मेरे राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ, तो मेरे को बहुत दिक्कत होता था ग्लूवाल लगाने में, अभी इस जगह पे रखने से बहुत परफेक्टली लगता है, ठीक है। और इसका मतलब साइज़ बड़ा ही रखिएगा, ज़्यादा छोटा मत करिएगा, ठीक है, तो अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। गाइज, बाकी सारे सेटिंग मतलब कस्टम हार्ड का सेटिंग देख सकते हो, मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको अपने स्क्रीन पर। तो गाइज, ऐसे सेम टू सेम रख लीजिएगा। फायर बटन का साइज़ बिल्कुल 50 से 60 के अंडर रखिएगा, ज़्यादा बड़ा हो गया तो ड्रैग वगैरह नहीं लगेगा, थोड़ा सा छोटा ही रखिएगा, और बिल्कुल बाकी सब एक्यूरेट रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा करके सेपरेटली सबको समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम टू सेम रख लीजिएगा। और ज़्यादा ग्लूवाल का ज़रूरी है तो ग्लूवाल का बेहतरीन तरीके से बता दिया, लोगों ने DPI के बारे में सुना ही होगा, तो चलिए DPI के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो डेवलपर ऑप्शन में होता है सेटिंग के। तो चलिए चलते हैं उस पर, और आपको अच्छे से DPI के बारे में भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मेरे सेटिंग पे। तो गाइस, DPI के लिए सबसे पहले जाना होगा फ़ोन के सेटिंग पे, और फ़ोन के सेटिंग पे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन होता है, तो उधर जाइए, उधर जाके आप स्मॉलेस्ट विड करके होता है वही DPI का सेटिंग है। हालांकि मैं पहले उससे पहले मैं कुछ और दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा स्मूथ चले, मतलब मोबाइल जो होता है थोड़ा सा कम लेग करे, अटक ना बंद करे, तो ये सब कुछ 0.5x कर देना, ठीक है, जो भी एनिमेशन स्केल वगैरह है तो वो 0.5। और दो ऑप्शन और है इसके साथ, ये होता है 4 MSAA, उसको भी ऑन कर देना, और एक होता है कुछ एक
ऑप्शन, रुकिए, 2D का ऑप्शन होता है, एक GPU का जो ऑप्शन होता है 4 GPU, इसको भी ऑन रखना है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ स्मॉलेस्ट विड को कितना रखना है, मतलब DPI को। तो गाइस सबसे पहले मैं वार्निंग देता हूँ कि DPI यूज़ मत करिए, अगर आपके पास अच्छा खासा फ़ोन नहीं है तो DPI यूज़ करने से आपका अच्छा खासा जो फ़ोन नहीं है, अगर लो एंड डिवाइस है तो ख़राब हो सकता है, इसलिए नॉर्मल DPI पे ही खेलिए, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ नॉर्मल DPI पे। अब ज़्यादा लेग होता है तो स्मूथनेस, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट स्पीड बढ़ाने के लिए 10-20 बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ाओगे, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आजकल के लॉन्डे 500-600 DPI पे खेल रहे हैं, जो कि नॉर्मल डिवाइसों में ही खेल रहे हैं, सबके पास अच्छा डिवाइस नहीं है, तो उसका डिवाइस भाई 6-7 महीना खेलने के बाद अपने आप ख़राब हो जाएगा, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज अब हमारे बंदों का हो चुका है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो गाइज आपको नॉर्मल DPI रखना है, देखिए 500 DPI पे कैसे होते हैं भाई, इतना छोटा छोटा दिखता है, तो गाइज 380-400 DPI में खेलना ज़्यादा अच्छा होता है, भले ही आपका इतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं होगा लेकिन आपका लॉन्ग लास्टिंग चलेगा मोबाइल, ठीक है। तो गाइज DPI का यूज़ गेरिना के तरफ से भी मना है, ऑफिशियल टूर्नामेंट में DPI यूज़ करने से टीम को बैन किया जाता है, तो DPI का कोई भी सेटिंग के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, तो नॉर्मली खेलो, रियल होके खेलो भाई, मचा डालो, ठीक है, अपना स्किल से बढ़ो आगे, अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो ले लो, या डिवाइस अच्छा होगा तो भाई कोई DPI फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है गाइज। और गाइज आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन होना चाहते तो आज ना शाम को, ठीक है, टाटा। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ।